हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्त? हमने इतना कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अब फिर वक्त आ गया है कि अब फिर से लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, सब कुछ पढ़ाया जाए। मैथ्स के साथ साथ जीएस भी पढ़ाई जाए, इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, रीजनिंग भी पढ़ाई जाए, मतलब लाइव क्लास स्टार्ट की जाए। कुल मिला के ये है, भले ही चाहे वो मैथ्स की जाए, बट लाइव क्लास का एक अपना अलग आनंद होता है। और जैसे भी मेंस आ रहा है, तो बच्चा सोच रहे हैं कि कुछ नए नए सवाल, नई नई चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाए, तो मजा आएगा। तो वो मैं शुरू करने वाला हूँ, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर शुरू कर दूंगा। जब तक जो ये हम ऑफलाइन क्लासेस का बैच डाल रहे थे, इसका खत्म होना भी जरूरी था। तो अभी इसमें एक दो टॉपिक ही रह गए, जैसे एवरेज रह गया। एवरेज हम अभी शुरू कर रहे हैं, 6-7 क्लासेस हैं एवरेज की, एवरेज खत्म कर लीजिए। फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। तो आज से एवरेज की क्लास है, एक या दो टॉपिक कोई और रह गया वो भी खत्म कर देंगे, और रोज दो दो वीडियो डाल के जल्दी से खत्म कर देते हैं, ताकि फिर लाइव क्लास रोज चले तो उसका मजा आए। ठीक है। और अभी मैं मेंस की क्लासेस में भी थोड़ा सा बिजी था, 1-1.5 महीने से लगातार। आपको पता ही है मेंस आने वाला है, तो सुबह 9 से 11 और रात को 8 से 10 भी नयन अकेडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ। मेंस के दो बैचेज, भी नए टॉपिक से भी शुरुआत होगी। परसों से ज्योमेट्री शुरू होगा, और परसों से ही अर्थमेटिक का टॉपिक शुरू होगा रात को 8 से। तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव प्रैक्टिस जो शुरू कर रहे हैं, वो मेंस वालों के लिए भी फायदेमंद होगी, जो हम यूट्यूब चैनल अभिनय मेंस पे ही करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ कि मैंने अब मेंस की क्लास ली, मान लेते हैं मैंने मेंस में अलजेब्रा पढ़ा दिया, तो बहुत सारे बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं। कुल मिला के ये है कि एक बैच में 30 से 35 सवाल एक सब्जेक्ट के अच्छे निकल के आते हैं मेंस के बैच से, जो लगता है कि बच्चों को ये नहीं हुए, इनमें उनको दिक्कत हुई, वो सब सवाल हम यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डाउट आता है, तो आप अनअकैडमी ऐप पे जा करके डाउट भी पूछ सकते हो, फायदा उठा सकते हो। अनअकैडमी आस्क के डाउट फीचर है, जहाँ पे आप 3 डाउट एक साथ डाल सकते हो। ऐसे क्रॉप करके आपको डाउट भेजना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो सॉल्यूशन को रिव्यू करने के लिए, अगर आपको कुछ खराब लगता है तो। ये अनअकैडमी की जो पेड क्लासेस हैं, उसके डिटेल्स हैं कि कैसे आप उसे ले सकते हो, कौन सा कोड लगाना है आपको, उसके बारे में दिया हुआ है। तो मिलेंगे दोस्तों 3-4 दिन में लाइव, और बहुत ही मजा काटने वाले हैं। आप सवाल देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्लास करने में मजा आ रहा है, ऐसे ऐसे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। बाकी बैचेस के और सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपनी प्रोफाइल का लिंक भी दे दिया, जहाँ जाके आप अनअकैडमी ऐप में डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। तब तक आप ये एवरेज का आनंद उठाइए। हेलो एवरेज, हेलो एवरेज मतलब औसत। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या है? औसत। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारे सवाल प्री मेंस में 4-4 सवाल भी कई बार इससे आ जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ फोगाट सर, किस बात पे ऐसी आ रही है? संतू पे? संतू पे तो आनी चाहिए। कुर्सी ऐसे फेंकी है ऐसे करके पैर से, देखा ना? बताओ, एवरेज मतलब औसत। औसत क्या है? जैसे कि आपके पिताजी आपके अकाउंट में 10,000 रुपये चुपकाते हैं, तो आज औसत की बदौलत ही चुपका पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होती कि वो रोज का हिसाब लगाते कि आज आपने 20 रुपये चॉकलेट दे दी किसी को लेके, आपने 30 रुपये की चाय पी ली, आपने 50 का खाना खा लिया, तो कई बार 298 खर्चा आ रहा है, कई बार 200 खर्चा आ रहा है, मतलब ऐसे खर्चा बदल रहा है, आप समझ रहे हैं, अलग अलग आ रहा है। लेकिन आपके पिताजी ने एक एवरेज सेट किया हुआ है कि भैया तू ज्यादा कर दे किसी दिन किसी दिन कम, 300 के हिसाब से 300 × 30 बराबर 9,000 रुपये मैं तेरे अकाउंट में चुपका दूंगा हर महीने, जिसपे लुटाना है लुटा। ठीक है भाई, तो ये औसत है। जैसे कि आप ये आप का चॉकलेट खाने का बहुत खर्चा है, मान लेते हैं आप ने आज से चॉकलेट खाना शुरू किया, पहले दिन आप 6 खा गए, क्या हो गया भाई? ये क्या क्या हो रहा है, एक बार देखना पीछे जाके जरा, कौन बच्चा हंगामा कर रहा है पीछे, एक बार पकड़ के बाहर कर देना। आप समझ लो, जो भी बच्चा लग रहा है ना कि हंगामा कर रहा है, सीधे बाहर जाए। नहीं, जगह क्यों नहीं बन पा रही है? अभी भी कमी पड़ रही है जगह की,
आपने, अब पढ़ लो चुपचाप, आपने पहले दिन 6 चॉकलेट दे दी किसी को, आपको पता आपके जीवन में कोई आया, 6 चॉकलेट आपने दे दी, उसने 6 चॉकलेट खा ली, अगले दिन फिर 5, पिंकी होठ सिलवा दूंगा ज्यादा हंसोगी तो, अगले दिन 5 और फिर उससे अगले दिन मान लेते हैं 4, फिर 3 खा रही है, मतलब बहुत दिन से इसको चॉकलेट मिली नहीं थी बेसिकली, ठीक है, फिर 5 खा लिया, कितनी हो गई है, और फिर 2, ठीक है, फिर अगले दिन 10 खा लिया, बहुत ही इसका तगड़ा हिसाब किताब है, समझ में आ नहीं रहा। तो हमने क्या किया, लगातार 7 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया कि ये बंदी कितनी चॉकलेट खाती है, 6, 5, 4, 3, 5, 2, 10, यानी कि 7 दिन के अंदर इसने 35 चॉकलेटें निकल ली। तो एक दिन का एवरेज, या एक दिन में कितनी निकली एवरेज, 5 चॉकलेट, तो ये 5 क्या है, एवरेज है। तो ये एवरेज कैसे आया, ये एवरेज ऐसे आया कि हमने पहले ऑब्जर्वेशन किए कुछ दिन लगातार, तो हमने 7 दिन ऑब्जर्व करके पता करा कि पहला दिन का जो ऑब्जर्वेशन है वो 6, फिर 5, फिर उन सारे ऑब्जर्वेशन को हमने जोड़ा, कितना आया 35, कितने ऑब्जर्वेशन किए थे 7, फिर 7 से हमने उसको भाग किया तो पता चला कितना हो गया, 5 चॉकलेट, कितना हो गया 5 चॉकलेट। तो यानी कि एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज बराबर होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए इससे हमें बहुत फायदा मिलता है, ये सब डाटा इंटरप्रिटेशन में हम एवरेज का यूज करते हैं, एवरेज बेसिकली मीनिंग है कि भाई 10 से 15 वाले बंदे 15 चॉकलेट खाते हैं एवरेज, तो एवरेज हमारा क्या करता है, कैलकुलेशन को आसान बनाता है, या किसी भी कंक्लूजन को अगर हमें देना है तो छोटा बनाता है, शॉर्ट बनाता है, कि मैंने इतना सब लिखने के बजाय क्या लिख दूंगा कि पर डे 5 चॉकलेट, पर डे 5 चॉकलेट इस बात को एक्सप्लेन कर देगा, इस पूरी सी बात को कर देगा कि नहीं। ये क्या नीचे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि एवरेज बराबर होता है बेसिकली सम बटे नंबर, और सम बराबर क्या होगा, नंबर इनटू एवरेज, ठीक है। बोलो भाई साहब, इतनी सी बात समझ के एवरेज की डेफिनेशन क्या है, तो एवरेज की डेफिनेशन ये है, सीपीओ, 2 मिनट रुक जाए, अरे कोई कह दे हम सारी जिंदगी यहीं खड़े रहे। अच्छा पीछे के एसी काम नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे क्यों मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर पीछे एक एसी की और जरूरत है तो इस वाली वॉल पे एक एसी और लगवा दो जो घर पे एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है। हाँ कई बार से शिकायत आ रही है पीछे से कि पीछे के एसी काम नहीं कर रहे, सर हनुमान बोल रहा था 32 ही निकाल दूंगा एक रैपट में, सर से कहते रहना कुछ नहीं होगा, इसको हनुमान को भी समझा लो थोड़ा हिसाब से बात करें, नहीं तो मैं निकाल दूंगा फिर 32 से, ऐसे बोल रहा था, तुम लोग कंट्रोल नहीं करते क्या बोल रहा है क्या नहीं। एक बहुत छोटे से सवाल से इसके डेफिनेशन को समझते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का एक्स स्क्वायर, तो सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा,
तो देखिए कैसे निकलेगा एवरेज। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तो सम क्या होगा? सम ऑफ एक्स नंबर बराबर एक्स इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा नंबर इंटू एवरेज। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ वाई नंबर कितना होगा? वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब इन सबका एवरेज निकालना है, हमें निकालना है एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई नंबर, या एक्स प्लस वाई नंबर ऐसे लिख देते हैं। तो आप बोलेंगे कि सम दोनों का, सम ऑफ बोथ बटे नंबर कितने हो गए टोटल, एक्स प्लस वाई। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स बटे एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई कॉमन ले लिया हमने, एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वाई। कई बच्चे क्या बता रहे हैं कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बाई टू। बाई टू क्यों आएगा, दो संख्याएं थोड़ी हैं, एक्स संख्याएं और वाई संख्याएं। तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई। ये उत्तर है, बताओ। बोलो भाई, तुम बताओ। क्या बताऊं, पता नहीं तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें आ गया समझ? तुमने किसका बैग उठा के रखा था? किसी का नहीं, डर लगता होगा वैसे, यहाँ टूटा हुआ है और कोई कुछ कर। पंगा नहीं लेना इधर, इधर इनसे है आपके या नहीं है? अभी भी आपके भी नहीं है, पहले से ही नहीं थे आपके तो। ओके ठीक है, इट्स ओके। कैसा लगता है अभी ऐसे अकेले जीना, और पहले फ्रेंड थी तो क्या डिफरेंस आया? कुछ खास नहीं, फर्क नहीं पड़ा कोई। सही है, अब आप इनसे कर लो दोस्त, सही रहेगा थोड़ा, उम्र में भी छोटे, बेवकूफ जल्दी बन जाएगी। चलिए अगला सवाल। लास्ट वाला, अरे एक ही क्वेश्चन कराया है और बहुत आसान कराया है। अच्छा तो कोई नहीं, इस वाले सवाल से कर लेते हैं, क्या यहाँ पे बैठ नहीं पाए सारे बच्चे? ठीक, चलिए ये सवाल आप देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल क्या है कि एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों में अंतर कितना है जिन संख्याओं में उसने गलती की थी। देखिए संख्या थी बहुत सारी, मान लेते हैं N1, N2, N3, और ऐसे 9 संख्याएं तो ये थी, और एक संख्या 10वीं थी, मान लेते हैं वो थी 10a+b। आपको पता है दो अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं, 10a+b लिखते हैं? नहीं, बोलो। और इसका औसत कितना था, मान लेते हैं ए था, हो सकता है कि नहीं? तो यहां से मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि N1 प्लस N2, ये आपको समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो जरूरत है नहीं, 10a+b बराबर 10a, लिख सकते हैं कि नहीं? कई सारे तरीके से समझाऊंगा, लिखा मत करा करो, हर वक्त लिखते रहते हो, लिखने ही आते हो क्या बस? ठीक है, अब संख्या के अंक पलट के मान लेते हैं, तो ये N1 प्लस N2 प्लस N3 N9, संख्या के अंक पलट जाएंगे तो संख्या क्या बन जाएगी?
10 बी प्लस है, बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी, कौन सी बड़ी बात है इसमें। लेकिन मन हो पढ़ाई में तब तो, मन तो यहां भागता है। औसत 1.8 कम प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि N1 प्लस N2 N9 प्लस 10 B प्लस A बराबर 10A, और माइनस कितना हो जाएगा, 18, 10 से गुणा होगी तो हो जाएगा नहीं 18। अब मैंने इन दोनों को घटा दिया, जब घटाऊंगा तो ये पूरा कट जाएगा नहीं, तो ये कितना आएगा, 9A माइनस B बराबर 18, 10A से ये भी कट जाएगा, तो A माइनस B कितना आ गया, 2, 9 दूनी 18, यही उत्तर है। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, आप वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। संतु क्या हुआ बेटा, अब आप फिर कहीं भाग रहे हो, आप कब तक जगह बदलते रहोगे, जगह कोई अनुकूल नहीं होती, बनानी पड़ती है, समझ रहे हो। देखो कैसे घूर रहा है मुझे, जैसे मैंने इसकी भैंस खोल ली हो। देखो ये लड़का कितना बोल रहा है, तुम तीनों गाजियाबाद आने लगे हो, मैं घर पे मन नहीं लगा होगा वैसे तुम्हारा। यही कमरा ले लो, ये तो हमने लिख दिया ऐसे, लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि 10 संख्याओं का एवरेज ए है, और फिर 10 संख्याओं का एवरेज 1.8 कम हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 10, ये एक संख्या पे होता है, एवरेज का मतलब एक संख्या, अगर एक पे 1.8 कम हो रहा है तो 10 पे कितना कम होगा, 18। यानी कि हम ये कह सकते हैं नीचे वाली 10 संख्या ऊपर वाली 10 संख्याओं से 18 कम है, तो ऊपर वाली 9 संख्याएं तो सेम है, यानी कि एक संख्या कम है बस 18 है। तो वो एक संख्या कौन सी थी, जो 10a+b से क्या हो गई थी, 10b+a। तो कम करा तो कितना आ रहा है, 9a-b। जब संख्याओं के अंक पलटते हैं तो आपको पता भी होगा कि 9a-b उनका अंतर हो जाता है, जो बराबर 18 के दे रखा है, तो a-b कितना आ गया। अच्छा अब आपको याद ही रख लो कि अगर ऐसा सेम सवाल आता है जो कि बहुत बार आया है, तो 1.8 आपको क्या करना है, सिर्फ 9 से भाग लगा देना, 2 उत्तर होगा। अगर इसी सवाल में 1.8 की जगह 2.7 होता तो उत्तर क्या होता, 3.6 होता तो उत्तर 4 होता, 4.5 होता तो 5। तो अभी तक तो ऐसे सवाल आ रहे हैं, अगर इनके अलावा भी कुछ और आ जाए जिसमें ऐसे भाग ना लगे तो वो क्या सवाल होगा वो बताता हूं, पहले इतना लिख लीजिए।
एक बार, अरे मैंने बोला कि अगर एवरेज 1.8 कम हो रहा है 10 संख्याओं का, इसका मतलब है कि सम 18 कम हो रहा है, इसका मतलब है कि सम 18 कम हो रहा है, और सम 9 संख्याएं तो सेम ही है, एक की वजह से ही 18 कम हो रहा है, यानी कि उस एक संख्या के अंक पलटने का अंतर ही 18 है, तो ए माइनस बी कितना आ गया? 2। तुम बताओ साइलेंट। सोया तो ऑटो वाले को झाड़ दिया तुमने, शिकायत करता करे यहाँ के बच्चे बड़े तेज हैं, करे क्राइम 1 रुपये कम देते हैं। अरे दिल पे मत लो, मजाक कर रहे हैं ऐसे। ठीक है भाई, अगर इसी सवाल में जैसे अभी तो मैंने बता दिया कि ऐसे आए तो आपने 9 से भाग कर लिया, अगर वो थोड़ा बहुत भी इस सवाल को कठिन बनाने की कोशिश करेगा तो कैसे बनाएगा? जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, आप फोटो खींच लेना। एक और सवाल, 10 की जगह मैं कर रहा हूँ 15 संख्या है, 15, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये 1.80 है, 15। अब आपको बताना है कहें 15 संख्याएं, बस सेम है सवाल बिल्कुल। अब आपको बताना है कि पहली और आखिरी, मतलब जो एक संख्या बदली है हमने, उसका अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। बताना सके हम। अरे भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया, आपको देखते हैं तो ऐसे लगता है गणित खत्म से होली। ठीक है, आप आदमी बहुत बढ़िया है यार, आप टू ऑसम पर्सन। संतु तो खामा खाम से गुस्सा हो गया, तो हमने कुछ कहा उस लड़के को? आप बताइए, यही तो कहा कि भाई उसने बैग उठा दिया, बैग छोड़ के गई क्यों? नहीं, हम तो यहां भी बैठा लेते, अब गुस्सा ही तो नहीं दिखा रहा है। कितना उत्तर आ गया? देखिए, अब आप समझ गए कि एवरेज कितना कम हो रहा है, एवरेज कितना कम हो रहा है, 1.8 कम। तो सम कितना कम होगा? तो आप बोलेंगे एक संख्या पे 15 संख्याओं पे 15, 27 कम होगा या नहीं? और ये 27 किसके बराबर हो जाएगा? 9a-b के। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर संख्याएं कितनी हैं, 10 है कि 15 है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ 15 है, आप 9 से भाग करके 9 दूनी 18 चिपकाए हैं, ऐसे बात बनेगी नहीं। अभी 3 आ गया ना इस सवाल का उत्तर, क्योंकि संख्याएं कितनी थी? 15। तो ऐसा अगर सवाल कभी भी आपके जीवन में उतरता है, जहन में उतरता है, तो कर लेंगे सिंगर, आप कर लेंगे बेटे, आप बहुत बढ़िया आदमी है, सीधे पर्सन है बहुत। वो दूसरा वाला बंदा नहीं आ रहा आपके साथ का, शादी हो रही है उसकी? सही है यार, लोगों की किस्मत पलट रही है यहाँ। मेरे तो कितने सारे बच्चे मुझे शादी का कार्ड भेजते हैं, मैं सोचता हूँ इसको ब्लॉक कर दूँ, चिढ़ा रहा है। एक ने तो अभी भेजा है कि मेरे बच्चे का डस्ट होने के सुधर जा तू, शादी हो गई, अब बच्चे की भी बता रहा है हमें, हमने क्या बिगाड़ा भाई? जिंदगी का असली मजा आता जब कि कॉलेज से निकले थे, तभी 21-22 साल में शादी हो गई होती, दो तीन बच्चे होते, उन्होंने भी गरीबी हमारे साथ देखी होती, फिर अब जब अमीरी आती तो उस चीज का एक अलग ही मजा होता। नहीं, बच्चों को पहले खिलौने नहीं मिले बचपन में, अरे अब तो जो मर्जी ले लो बेटे, असली ऑडी लो अब, ये ख्वाहिश अधूरी रह गई, कोई नहीं, लेकिन क्या पता हो जाती फिर आगे भी ना बढ़ पाते, कहीं बैगनार में घुमा रहे होते हैं। 60% हैज बीन प्रोग्राम डन, विल बी डन इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने संतु का साथ नहीं दिया, उसे इसी बात का बुरा लगा, मतलब संतु का साथ नहीं दिया, अब मतलब हम गलत का भी साथ दें, हमने साथ किसका दिया? बुरा लगा संतु को, हैं? कैसे कैसे लोग हैं। नहीं आया,
कि आप ऐसे सवाल भी नहीं कर पा रहे यार कैसे। अच्छा अगर एक संख्या पे, एवरेज का मतलब होता है एक संख्या पे, नहीं दोस्त, एक संख्या पे कितना कम हो रहा है, बढ़ रहा है प्लस, तो सम कितना बढ़ेगा 10 संख्याओं पे, 198 बढ़ेगा। सिर्फ एक संख्या चेंज हो रही है, यानी कि जो सम में चेंज आ रहा है वो एक संख्या की बदौलत आ रहा है, और वो संख्या 3 अंकों की थी, यानी एक्स वाई जेड थी। 3 अंकों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं आप बताइए, 100x प्लस 10y प्लस जेड लिख सकते हैं। इसी संख्या के अंक पलट गए, जेड वाई एक्स हो गए, तब इसको कैसे लिख सकते हैं, 100z प्लस 10y प्लस एक्स। तो इन दोनों का जो अंतर है, अगर इसमें से इसको घटाऊं तो वही 198 है, नीचे ज्यादा है सम, तो घटाऊंगा तो क्या होगा, 10y से 10y कट जाएगा, 99 जेड माइनस एक्स बराबर 198, तो जेड माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 2। जेड माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 2। ला 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 ला। क्लियर हो गया ये सवाल सबको, आपको जी भाई साहब, आपको क्लियर हो गया, नहीं हुआ, अरे यार एक तो आपने अजीब सा चश्मा लगा रखा है, इससे दिखता ही नहीं होगा आपको, दिख रहा है इससे, पल्सर वाले भाई साहब हिसाब से रहो थोड़ा, रिपीट तो कर ही देंगे, बच्चों को आता ही नहीं है, कुछ करना क्या पड़ेगा, रिपीट ही करना पड़ेगा, तैयारी कर रहे हैं सब सीजीएल के, क्या आता है, कुछ नहीं आता है, इधर उधर की बातें कर लेता हूँ जी, ओ, फोन पे ऐसे दोनों तरह, आपको आ गया जी समझ, क्या बात है। हाँ, एवरेज 19.8 बढ़ जाता है, यानी कि 10 संख्याएं, सम 198 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, सम 198, अगर सम 198 बढ़ जाता है तो 9 संख्याएं तो सेम ही है, एक ही संख्या की बदौलत बढ़ रहा है, और वो संख्या है 3 अंकों की एक्स वाई जेड, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये पता है कि संख्या को लिख सकते हैं कि नहीं, अरे कुछ पढ़े हो अब तक 14वीं तक कि नहीं, और अब संख्या उल्टी हो गई, जेड वाई एक्स, तो 100z प्लस 10y प्लस एक्स, इसमें से इसको घटा दिया हमने, तो ये कितना आ गया, 99 जेड माइनस एक्स बराबर 198, तो जेड माइनस एक्स कितना आ गया, 2। लैंडलॉर्ड आप बताइए, कुछ गलत पढ़ा है मैंने, क्या नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बताइए, अभी आ गया, नहीं ऐसे मत कहो, आ गया, तो आपका दिमाग कहीं और था इसका मतलब पहले, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे ही बताया था, अच्छा, मैं आ गया था सामने, वो वजह हो सकती है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ बाएं हाथ से लिखने का, तब नहीं आया करूंगा, दाएं से लिखने की आदत नहीं है, पहले मैं लेफ्ट हैंड था, तो अब दाएं से लिखता हूँ तो आगे आ जाता हूँ, ये प्रॉब्लम है। अरे अंतर पूछ रहा है, अब मैं 3 और 5 का पूछूं तुमसे, और 5 और 3 का तो कुछ फर्क पड़ेगा, अंतर ही पूछ रहा है ना, अंतर बताओ, अंतर में बढ़ रहा है घट रहा है से कोई मतलब नहीं, संख्या 3 से 5 हो रही है, 5 से 3 हो रही है, अंतर 2 ही होगा, अंतर का मतलब ही होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना प्यार से, नहीं, नहीं, अंतर कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, हाँ अंतर कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, अगर आप इसमें से इसको घटा के भी लिख देंगे 99x माइनस जेड तो भी 2 ही आएगा, हमें तो अंतर बताना है दोनों का, उसने ये नहीं कहा कि जेड में से एक्स घटाओ, एक्स में से जेड घटाओ, नहीं, उसने अंतर बताओ, या तो जेड माइनस एक्स बताओ या एक्स माइनस जेड बताओ, और वो 2 ही आएगा, इसमें भी किसी को डाउट है, बढ़ रहा है घट रहा है, गीता फोगाट, नहीं आगे बढ़े, सबसे पीछे कोने में बैठे भाई साहब जूते उतार के, कैसा लग रहा है, सही लग रहा है,
इसके बाद थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें लिख लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एन तक। देखिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, 2019 को टारगेट मानते हुए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो देख लो आप, आपके पास ऑप्शन है और कहीं जाने का भी, ग्रुप डी वगैरह में। और कोई तरीका नहीं है कि अगर इतना सरल बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, समझाने के बाद भी नहीं आ रहा, आप पूछो तो सही। अगर आपको नहीं आता, आप डरते किससे हो? कौन आपका क्या बिगाड़ लेगा? आपको नहीं आ रहा, पूछो, आप 10 बार पूछो, 15 बार पूछो। अभी भी ऐसे ही चले जाओ, फिर कहो कि नहीं हुआ था, मेरे को नहीं आया था समय, तो बेकार है, क्योंकि अभी ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। आपके पिताजी ने भी एक बार आपको तैयारी के लिए भेजा है, अच्छे से पैसे भेज रहे हैं, उसके बाद क्या जीवन हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। आ लग जा गले फिर कभी ये हंसी रात हो ना हो, इसका मतलब है कि जीवन में जब मौके मिले अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। ठीक है, अभी तैयारी का टाइम मिला है, पैसा आ रहा है तो पढ़ लो, बाद में अफसोस रह जाएगा सिर्फ। जीवन में 3 गाने, एक तो ये, और एक ये कली जब तलक फूल बन के खिले इंतजार इंतजार करो। एक आदमी को पेशेंस बहुत रखना आना चाहिए। आप जो बार बार बेचैन होते रहते हो, अरे नहीं पता नहीं अब मेरा क्या होगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। SSC की तैयारी कर रहे हो, 4-5 महीने पेशेंस के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी। इन सब के बाद भी अगर कुछ ना हो तो एक गाना है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, ये सुन के अपने आप को समझा लेना चाहिए। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, n की क्यूब बराबर 1/2 n n+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्यूब है। अच्छा और भी लिख लो थोड़ा सा कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 n और फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर होता है n²। ठीक है, अगर किसी ने आपको पूछा 1 से 65 तक, फिर 65 से लेके 1 तक की संख्याओं का जोड़, तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा। ठीक है, अच्छा अगर 1 प्लस 3 पूछा है और एन संख्याएं, ना कि n वां नंबर है, बाकी सब जगह नंबर था, तो एन संख्याएं कितनी हो जाएंगी? n²। अगर कोई पूछे कि पहली 11 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा। क्या हुआ? तेज बोलो, पर्ची भेजी आपने? ये प्रूफ करूं? ये वाला गलत लिख दिया है, लास्ट वाले में समझ नहीं। मैं ये कह रहा था, जैसे ही मान लेते हैं कि 1 है 3 है 5 है 7 है, कितनी संख्या है? 4, तो इसका होगा 4 का स्क्वायर, ना कि 7 का स्क्वायर। यानी 4 नंबर की बात कर रहा है। जैसे कि कोई कहते हैं 1 से लेकर के 100 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ बताओ, तो 1 से लेकर 100 तक 50 विषम होती हैं और 50 सम, तो क्या आ जाएगा जोड़? 50 का स्क्वायर, क्योंकि 50 संख्याएं होती हैं। ये बदतमीज पर्ची किसने भेजी? इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना, सब लिख के भेज दो, शर्म नहीं आती टीचर से इस तरीके की बात करते हो। किसने पढ़ी थी यहाँ पे पर्ची? तुमने पढ़ी थी? तुम्हें ज्यादा मजा आता है सब पढ़ने में, तो आई थी, तुमने पढ़ी क्यों थी? ज्यादा बिगड़ने का शौक है तुम्हें? कुछ भी लिख देते हैं।
ये कह रहा है कि इसके बाद भी एक गाना है, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। औसत ज्ञात करो। हेलो हेलो हेलो, कल से यही होगा कि पहले 9:30 से जब 11 वाला बैच लगेगा तो सारे बच्चे बाहर जाएंगे, और फिर जो पहले से बाहर खड़े थे उनकी एंट्री होगी, फिर पीछे से वो आएंगे। ठीक है, ये सही है? अब यही होगा अब कल से, नहीं तो बात बनेगी नहीं। बच्चे थोड़ा सा बदतमीजी पे आ गए, या तो अपने आप प्यार से पीछे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर यही इलाज है। यही सॉल्यूशन है। फाइव, किसी का 20 आ रहा है, गलत है, पीछे आ रहा है एक का, और 28, दो का आ रहा है, ये भी गलत है। कोई बात नहीं, गलत हो सकता है। 5 सही उत्तर है, 5 इज द राइट आंसर। तुम बताओ भाई, नहीं हुआ तुमसे? इतनी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी लेके बैठे हो और छोटे मोटे सवाल नहीं हो रहे तुमसे। होंगे बिटेक हो तुम, क्या हो, नॉर्मल हो, क्या किया नॉर्मलिटी में? बीएससी हो गई पूरी? आप भी बीएससी हैं जी? बीकॉम अकाउंट वगैरह आता है आपको पूरा सब? लेजर से पहले क्या आता है, ट्रायल शीट, ट्रायल बैलेंस या लेजर, कौन सा पहले आता है? बाप रे बाप, इसको तो ज्यादा नॉलेज है, इतनी तो मुझे भी नहीं है। मैंने तो एक बार पढ़ा है, वो भी 3 दिन पेपर देने के लिए। अब जैसे इसका औसत निकालना है, तो औसत क्या होगा? एवरेज, एवरेज बराबर होगा सम बटे नंबर। तो सम कितना होता है, जैसे कि 1 का 1 आ गया, 2 और 2 का, 3 का 3 बार है तो 9, 4 का, ऐसे चलता रहेगा। और संख्या 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार। देखिए ये मत सोचिए कि 7 संख्या, बहुत से लोगों ने 7 से भाग कर दिया, 7 नहीं है। अगर मान लेते हैं 1 2 3 का किसी ने एवरेज पूछा है ना, तो 2 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 0 लग गई तो अब एवरेज 1.5 आएगा। भले ही 0 आई है, लेकिन एक नंबर तो बढ़ गया, भाग तो अभी एक संख्या ज्यादा से लगेगा। ठीक है, तो 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार, 7 7 बार। ठीक है, तो ऊपर हम ऐसा कह सकते हैं ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे कहानी है। नीचे 1 2 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1/6 एन एन प्लस 1, 2n+1 होगा, और नीचे 1/2 एन एन प्लस, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, ये 2 से 3 बार, तो ये कितना आ गया, 2n+1/3, 2n+1/3 कितना होगा, 2n+1/3। तो हमने एक फॉर्मूले निकाल दिया कि अगर एक संख्या 1 बार लिखी है, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, एन एन बार,
ठीक है भाई, तो एन अगर हम 7 रख दें तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 1, 15/3 = 5। ऐसी अब 10 पे आ जाए संख्या, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, तो 10 रख देंगे एन की जगह, 10 दूनी 20 और 1 21/3, 7 आ जाएगा एवरेज। ठीक है, आप निकाल लेंगे भाई साहब, कभी एवरेज पूछा जाएगा तो। ठीक है, पसंद है आपको एवरेज? ठीक है, पूछ लो, कुछ पूछना है तो। सब क्लियर है आपको भैया? बताओ, आपकी तो दाढ़ी मूछने आई, तैयारी शुरू कर दी एसएससी की। इतनी भी क्या जल्दी थी यार? मम्मी कह रही थी कि पापा का हाथ बटाओ, ये कब तक कमाते रहेंगे। जैसे जैसे बच्चा 18 और 20 का क्रॉस होता है, मम्मी का झुकाव जो है पापा की तरफ बढ़ने लगता है। ये सबके घर में ही प्रॉब्लम है। तो बचपन में तो आप सबने अपने मम्मी पापा की अच्छी भली लड़ाइयाँ देखी होंगी, वो भी एक दौर था। आज मम्मी पापा आप ही की बुराइयां करते रहते, कब तक दिल्ली में पड़ा रहेगा, पता नहीं क्या है। दोनों में से कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि आप उनके बच्चे हैं। कोई नहीं, बदल जाएगा ये वक्त भी, टेंशन मत लीजिए। आप एक हेडिंग लगाइए, एवरेज ऑफ। उससे पहले देख लेते हैं एक सवाल। हाँ, लिखें एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऐसे लिखे, मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंजुगेटिव लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्याओं, कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, और ऑड नंबर उसके बाद कंजुगेटिव इवन और ऑड के बाद एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल भी इसका लिख लेना, 6, 12, 18, 24 चलती रहेगी। ठीक है भाई, इन सबका जो एवरेज हम निकालते हैं। ठीक है, 6, 12, 18, 24, ठीक है, मान लेते मैंने एक संख्या की सीरीज लिखी, 1, 2, 3, 4, 5। आपसे एवरेज की बात करूं तो आप बोलेंगे कि या तो हम इन सबको जोड़ दें, 5 और 4, 9 और 3, 12 और 2, 14 और 1, 15 को 3 से 5 से भाग करें, कितना आ जाएगा एवरेज, 3। और 3 इसके बीच वाली भी संख्या है नहीं। अगर हम लिख दें 10, 12, 14, 16, 18, 18 और 12, 30, 16, 14, 30, 30, 60, 10, 70 को 5 से भाग करेंगे, एवरेज 14 आ जाएगा, जो कि बीच वाली संख्या है। मैंने लिखा 11, 12 नहीं, 11, 13, 15, 17, 17, 30, 15, 45, 11, 56 को 4 से भाग करेंगे, 14। 14 इन दोनों के बीच की संख्या है, क्योंकि बीच में एक संख्या नहीं, इस पर दो संख्या थी। ठीक है, अच्छा, हमने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 25, 15, 40, 20, 60, 15/75 / 5 = 15, तो फिर बीच वाली संख्या। तो आपने देखा कि चाहे तो लगातार संख्याएं हो तो एवरेज बीच वाली संख्या है, चाहे लगातार सम संख्याएं हो तो एवरेज बीच वाली संख्या है, चाहे लगातार विषम संख्याएं हो तो एवरेज बीच वाली संख्या है, चाहे लगातार एक एपी कोई बन रही है उसमें भी बीच वाली संख्या है, या फिर आप देखो पहली संख्या और आखिरी का एवरेज कितना होगा, 5 और 1 6/2 3, 18 और 10 28/2 14, 17 और 11 28/2 14, और 25 और 5 30/2 15। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन सबके केस में बीच वाली संख्या ही औसत होगी, एवरेज जो होगा वो मिडिल नंबर होगा, या फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर,
कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड और सेकंड लास्ट की बात कर ले, देखो 4 और 2 का एवरेज कितना है, 3, तो ये भी हो सकता है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को तो लिख लीजिए a+l/2, या ये भी कह सकते हैं एवरेज ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट का एवरेज भी एवरेज होगा। कुमारी आप बताइए, समझ आ गया आपको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात लिखने के बाद एक बहुत छोटा सा सवाल आपने बताना है। कितना? देखिए, इसने बोला कि 9 संख्याओं का औसत n है, यदि 2 संख्याएं और शामिल कर लीजिए। आप मुझे बताइए, 9 भी संख्याओं में, अगर 9 संख्याएं तो एवरेज कितना होगा, कौन सी वाली संख्या होगा? 5 में। यही आपका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5 में वो क्या है, n 5 में होगी, 4 इधर 4 इधर होगी नहीं। अब आपने 2 संख्याएं और शामिल कर ली 11 में, तो अब एवरेज कौन सा होगा? 5 इधर 5 इधर, 6। आप बताओ लगातार संख्याएं हैं ये, तो एक एक बढ़ रही होगी, तो अगर 5 भी n है तो 6 कितनी होगी? n+1, तो 1 बढ़ जाएगा एवरेज, नया औसत n+1। तुम समझ गए भाई, आगरा वाले भाई साहब? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। मैथ को कितना टाइम देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, अगर बेसिक्स भी उतना सही ना हो? अगर बेसिक्स अच्छा ना हो तो मैथ्स को पर डे आपको क्लास के अलावा 2 घंटे जरूर देने चाहिए, जिसमें आप वीडियो देख के आए। जैसे एवरेज चल रहा है तो एवरेज की वीडियो देख के आए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वहां से बेसिक देख लें, कुछ और सवाल यहाँ बताऊंगा नए इस साल आए हुए, तो आपको और अच्छा लगेगा। रामबाण है, जो मैंने सुबह बोला था सुबह वाले बच्चों के लिए कि जिनका एलजेब्रा छूट गया है, नहीं हो पाया है, तो वो 4:30 वाले में कर लें। लेकिन वो 4:30 वाले में केवल बेसमेंट ईजीडी ही जा सकते हैं, मुखर्जी नगर नहीं। मुखर्जी नगर में तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए,
आपको मुखर्जी नगर में किसी और बेंच में अलाउ ही नहीं है। वैसे भी वो फोर्थ फ्लोर है, हम ज़्यादा बच्चे बिठा भी नहीं सकते, रिस्क रहता है। वैसे तो खुला हुआ है, सारी छतें जुड़ी हुई हैं, कुछ भी बात होगी तो तुरंत दूसरे की छत पर पहुंच जाएंगे। ये है, मैंने जानबूझ के उस हॉल को छोड़ा नहीं, क्योंकि जब मैंने कोचिंग खोली थी तो सबसे पहले वहीं पे खोली थी, तो उससे थोड़ा सा वो है कि जिस जब तक भी कोचिंग रहे वो हॉल जिंदा रहे अपना। उससे सस्ता हॉल पूरे मुखर्जी नगर में कहीं नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली हॉल है नहीं, वो फोर्थ फ्लोर तक ये अलाव है, उन्होंने ऊपर क्या पटिया वटिया डाल के एक और बना दिए, तो इसलिए इतना सस्ता है। तो ऐसा सवाल आएगा कोई कर लेंगे। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, ये तो आप कर ही लेंगे, ऐसे छोटे मोटे सवाल तो क्या ही पूछना, तुम्हारा लेवल है इतना तो। कितना बड़ा सवाल लिखा है, बिना चश्मे के भी बंदा पढ़ सकता है। पीछे संतू किधर है? अच्छा, ठीक है, दिख नहीं रही ना इसकी शक्ल, नहीं दिख रही मुझे, खुद को नई बहू की तरह छुपाते हुए संतू। हाँ कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं, सात लगातार संख्याओं का औसत 29 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपको बताइए, सात लगातार संख्याओं का मतलब बीच वाली संख्या औसत होगी। इसके इधर कितनी संख्याएं होंगी? तीन। इसके इधर तो लगातार संख्याएं तो 29, 30, 31, 32, तो 32 इसकी सबसे बड़ी संख्या हो, बोलो होगी कि नहीं? सीजीएल में 200 लाने के लिए कौन कौन सी बुक और अदर मटेरियल बता दो। पता नहीं कैसे कैसे सवाल लिख के भेजते, ये सब सवाल क्लास में पूछने के हैं, मिलो कभी पर्सनली। अगला सवाल आसान सा, हम बहुत सवाल करेंगे, एवरेज 5-6 दिन चलेगा टॉपिक, बहुत नए नए मजेदार सवाल करेंगे। अभी थोड़ा बेस बना लो आप अपना, जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तो सवाल करने में तकलीफ होगी। लेकिन आप फोटो खींचा करो प्लीज, सवाल कॉपी करने में आपका बहुत टाइम जाता है।
बात मत करो, होलिया बदल दूंगा। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये बोल रहा है। तो 8 लगातार विषम संख्याएं हैं और 80 औसत है, तो आपको पता है 8 संख्याओं में बीच वाली संख्या 2 होंगे। 2 होंगे कौन कौन सी? फोर्थ अरे और फिफ्थ। 3 इधर 3 इधर हमने हटा दी, बची 2 संख्याएं, तो फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कौन सी है? 80। तो 80 किस किस के बीच में होती है? 81 के। अब आपको पता चल गई पांचवी संख्या, तो छठी कितनी होगी राजा? सातवीं और आठवीं, यही उत्तर है। यही उत्तर होगा कि नहीं, बोलो। बिल्डर साहब कैसे हंस रहे हैं? सही लग रहा है आपको? वो जो लड़का हमने सीधा घोषित किया था, कहाँ है वो? अच्छा, ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ बोलो। मदर इंडिया का बिरजू। बिरजू कौन है भाई? ये कह रहा है 28 की उम्र तक अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेस्ट गाना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है बिस का प्याला पीना ही पड़ेगा। इनमें कितना दिमाग चलता है, इतना दिमाग अगर सवालों में चल जाए कि कौन सा आंसर कहाँ फिट बैठेगा तो बात ही बन जाएगी। गाना पता है कौन सा कहाँ फिट बैठेगा, वो नहीं बैठेगा फिट की, कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही तुम बेवफा नहीं हुई है, ये भी लिख दो। हिसाब से, हिसाब से। दो सौ दोस्तों, देखिए आपको पता है कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज होता है वो पहली संख्या और आखिरी संख्या का भी एवरेज होता है, होता है कि नहीं? अब ये एवरेज 111 दे रखा है तो ए प्लस एल वाई टू, कहीं ऐसा तो नहीं आपने 116 संख्याएं लिखना शुरू कर दी? आपसे तो हुआ ही नहीं। अरे नहीं लिखी, लेकिन सवाल तो होना चाहिए था, पढ़ाया नहीं था अभी? एवरेज बराबर ए प्लस एल बाई टू। इतनी जल्दी भूल जाते हो उनकी बातें, सालों साल पुरानी यादें क्यों जी? आपसे हो गया था? अरे झूठ मत बोलो, सच में हो गया था? पता, ये लड़की अचानक से बदल गई भैया, इसे कुछ नहीं आता था और अब इसने घर पे 6 घंटे पढ़ना शुरू किया। अरे ये एटीट्यूड, हर सवाल का इसका उत्तर आ रहा है। इसके पापा ने इसको अड़काया, मतलब सबके पापा अड़काने लगे तो बच्चे बस सुधर जाएंगे। क्या बात लग गई आपको पापा की बेसिकली, वो बताइए थोड़ा, बच्चों को मोटिवेशन मिले,
क्या उन्होंने ऐसा पॉइंट कहा था जिसने आपको पढ़ने पे मजबूर कर दिया? प्लीज टेल। कुछ तो डायलॉग होगा ऐसा एक जो मतलब लग जाता है ना, दिल में घर कर जाता है। बस अपने हिसाब से आप बता दीजिए, पर्सनल है। ओके बच्चे यहाँ 2 पैसे जिम में नहीं होते, बात ऐसे करें जाने कितने वीआईपी हैं, हम यहाँ हर बात बता देते हैं। घर परिवार हैं, सब अपने ही लोग हैं, क्या पर्सनल है। आस्था के पापा ने क्या कहा था बेटा, आप जो बता रही थी अभी, इनके पापा ने कह दिया पढ़ ले नहीं तो शादी कर देंगे, बताओ। अच्छा उसके खाली कह रहे हैं आपके कर ही देंगे, बात वही निकली। कितना अनुभव है आस्था का, तो ये बात आपको लग गई है, इसमें लगने वाली तो कोई बात नहीं थी, तो अच्छी बात है कर देंगे। तो लोग तरस रहे हैं, करो नहीं, लोगों की हो रही है तो मना कर रहे। देखिए, 7 लगातार संख्याएं, सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा? कितना आ रहा है? आ रहा है। आपने कैसे करा? ओ, संख्याएं लिख दी आपने सारी। अरे नहीं, आप पगली हैं पता है। देखो अगर 2 संख्याएं हैं, दो सिर्फ सिर्फ 2 संख्याएं हैं, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो 2 होगा, क्योंकि 1 गैप है और 1 गैप 2 के बराबर होता है इवन ऑड के केस में। अगर 3 संख्याएं तो कितने गैप है? 2 2, एक ये एक है। 4 संख्याएं तो गैप कितने हैं? 3। यानी कि जितनी संख्याएं होंगी गैप उनसे 1 कम होगा, यानी टोटल संख्याएं हमारे पास 7 हैं, तो गैप कितने बनेंगे? और 1 गैप अगर इवन ऑड है तो कितने के बराबर होगा? 2 के। तो 12 आ जाएगा पहली आखिरी का अंतर। कल को संख्याएं ज्यादा रहें तब कैसे करेंगे? ऐसा सवाल बोलता हूं मैं, एक मेंस में आया हुआ, पहले आप ये लिख लो। ये बात समझ गए आप? अगर यहाँ पे ये लगातार संख्याएं होती, सम ना होती, तो 1 गैप कितने के बराबर होता? 1 के। तो 7 6 6 के बराबर आ जाता। अभी इवन ऑड के केस में 1 गैप कितने के बराबर होता है? 2 के। बहुत बढ़िया, अद्भुत, जिसको कहते हैं डिंग 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 एक सवाल लिखना होगा दोस्तों। एक क्यों कई सारे लिखेंगे? एक से क्या होगा आपका? बोला जाए सवाल। द एवरेज ऑफ मेंस 2017 में आया था ये सवाल। द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 49 है। 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या पर प्रकाश डालिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर।
कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया। पापा की डांट ने बच्चे को, बच्चे में सुधार कर दिया। वाह वाह वाह। एलजेब्रा में मैक्सिमा मिनिमा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप शाम वाले 4:30 वाले बैच में पढ़ लो, उसमें मैं वैसे भी बहुत ज्यादा और अलग से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ सवालों की, थोड़ी फास्ट फास्ट। तो वो बच्चे कर सकते हैं जिनको थोड़ा आता है कुछ, अब जिनको आता ही नहीं है, हैं ही लल्लू राम, उनको तो इस 11:30 वाले बैच में करना पड़ेगा एलजेब्रा, ठीक है, जिनका भी छूटा है। हाँ पढ़ लो, अभी तो पता है आप घर पे ज्यादा पढ़ो ही मत, सुबह आप ना आओ यहीं बैठे रहो, अगर आपको गणित अच्छी करनी है, क्योंकि गणित ही मेन रहेगी अब सीजीएल में, जिसकी गणित अच्छी उसका सीजीएल निकल रहा है, नहीं तो नहीं निकल रहा। क्यों जी भाई साहब, आप थोड़े से परेशान कैसे हैं, आज जगह के चक्कर में उस संतु को हट कर दिया। अच्छा आपके साथ नहीं था कोई इशू, कोई नहीं, उसको हम लोग बाद में मिलके सॉरी बोल देंगे और थप्पड़ी मारेंगे कि तू गुस्सा कैसे हुआ। तो क्या उत्तर आ रहा है अभी जो सवाल पूछा है उसका? 18। अब देखिए इतनी सारी संख्याएं दे दी तो अब तो लिखना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? कितनी संख्याएं हैं टोटल? 41। 41 में बीच वाली संख्या औसत कितनी दे रखी है? 49। अच्छा इसके इधर कितनी संख्याएं होंगी? 20। और यहां से यहां तक 21, इसे लगा के 21 होंगी, वैसे 20 होंगी। तो आप मुझे इतना बता दो कि अगर 21 संख्याएं तो पहली और आखिरी का अंतर कितना होगा? 40। अभी तो बताया कि अगर 21 संख्याएं तो गैप कितने होंगे? 20, और 20 दूनी 40, तो ये 49 है और ये 40 बड़ी होगी, कितनी हो जाएगी? 89। ये उत्तर है, समझे कि नहीं? हेलो हेलो बताओ। पिग्गी जी आप समझ गए? वेरी गुड। अरे आप तो पिंकी, पिग्गी तो ये है, नाम में कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो? अब दोनों जल्दी दोस्ती कर लो, ठीक है? अभी जाना कन्हैया स्वीट पे, एक एक लस्सी पिलाना एक दूसरे को और दो दो समोसे, बस ये मीडिएटर हो जाएगी बीच में, क्या बेटा करवा देना इनका, ठीक है? अच्छा ही लगता है ऐसे, पढ़ेंगे अभी और भागने की जरूरत नहीं है, टाइम हो गया। एक और, अरे एक और बार, आप हजार बार, एक बार क्या चीज है? देखो कितनी संख्या थी, 41, तो बीच में होगा एवरेज, और 20 इधर होंगे और 20 इधर। अब हमें इधर वाली से मतलब था, इसे लगा के 21 हो जाएंगे, तो मैंने कहा 21 संख्याओं में पहली आखिरी का अंतर पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो 21 संख्याएं होंगी तो गैप 20 होंगे, और सम संख्याएं विषम, विषम ऑड नंबर है तो एक गैप दो के बराबर होगा, तो 20 दूनी 40, यानी पहली और आखिरी का अंतर 40 होगा। अब पहली तो बताया 49 है इस हिसाब से, तो आखिरी क्या होगी? 40 छोड़ते। कितने इंटेलिजेंट है यार आप, सोच भी नहीं सकते। लिखें एक सवाल, नहीं कुछ लोग डर की वजह से